हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम टू पल्लवीज़ किचन। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर आप किसी भी ओकेजन पे झटपट बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कढ़ाई पनीर कैसे बनाया जाए। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पाइसेस ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच बड़ी सौंफ, 5 से 6 साबुत काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 2 इलायची, 2 तेज पत्ते, 1 चक्री फूल और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब इन सभी स्पाइसेस को हम 5 से 7 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब स्पाइसेस गोल्डन ब्राउन दिखने लगे और स्पाइसेस में महक आने लगे, इसका मतलब है कि हमारे स्पाइसेस ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इन मसालों को ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पाउडर बना लेंगे। अब हम पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, जिन्हें हमने लेंथ वाइज काट लिया है, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। साथ ही में जल्दी कुक होने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टोमेटोज एकदम मशी ना हो जाए। ये टोमेटोज भी अच्छे से अब मैश हो चुके हैं और अब हम इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो ये ड्राई रोस्टेड मसाला पाउडर हमारा अब रेडी है और अब इसी में हम ये सॉल्टेड प्याज और टोमेटो मिक्सचर भी ऐड कर देंगे और साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और इसे ग्राइंड करके इसका एक मसाला पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर से पैन में 2 बड़े चम्मच बटर लेंगे, डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे 2 मिनट इसे भून लेंगे। अब डालेंगे 2 बीच से कट किए हुए हरी मिर्च और स्क्वायरली कट किया हुआ प्याज। अगर आपके पास बेबी ऑनियंस हैं तो आप यहाँ पर उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से स्क्वायरली कट कैप्सिकम और अब थोड़ी देर इन्हें चलाकर इनको थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे। इस बात का खास ख्याल रखें कि हमें ऑनियन और कैप्सिकम पूरे नहीं पकाने हैं, इन्हें थोड़ा क्रंची ही रखना है। इसमें ऐड करेंगे हमारा मसाला पेस्ट। दो मिनट इसे चलाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे करीबन 1/2 कप पानी। आपको ये पेस्ट जितना पतला या गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे पनीर पीसेस। यहाँ मैंने होममेड पनीर लिया है जिसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर की है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब पनीर और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन रखकर 1 उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। उबाल आ गया है और ये होममेड कढ़ाई पनीर हमारा तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म इसे हम रोटी
या जीरा राइस के साथ सर्व करेंगे। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।